2010 में मेरी इन्वेस्टिगेशन ने अमित शाह को जेल पहुंचाया था, वो मैं अपने करियर का सबसे बड़ा अचीवमेंट मानती हूँ। भले ही अमित शाह आज कंट्री के रूलिंग प्रेसिडेंट हैं, रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन मेरे लिए उनको जेल पहुंचाना इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माय करियर सो फार। तो उसके बाद उनके जेल जाने के बाद मुझे लगा कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं अबाउट गुजरात जिनको लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज एक मिथ मेकिंग बन गई थी कि मोदी को क्लीन चिट मिल गई है। और मेरा ये हमेशा से कहना है कि मोदी को क्लीन चिट वाली जो मिथ मेकिंग है उसको खत्म होना चाहिए, बिकॉज वो कभी एक्यूज नहीं थे केस में। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अंडर कवर जाना चाहिए। तहलका की मुझे पूरा सपोर्ट था, तो मैंने एक 26 साल की थी मेरी उम्र उस वक्त, और तो उस वक्त मेरी एक दोस्त रहती थी लॉस एंजलिस में, वहां की फिल्म इंस्टीट्यूट कंजर्वेटरी में काम करती थी वो। तो मैंने वहां का आई कार्ड मैंने मंगवाया, किसी तरह बनवा लिया, फेक पासपोर्ट बनवा लिया, फेक ड्राइविंग लाइसेंस, सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए, और मैंने 8 महीने एक ऐसी और लड़की की जिंदगी जी है। सिर्फ मैथिली त्यागी बनी नहीं थी मैं, बल्कि उसकी जिंदगी जिया है मैंने। क्योंकि जब आप अंडर कवर होते हैं तो आपको उस इंसान की आप यू के नॉट बिट्रे एनी एलिमेंट जो आप नहीं है, उसके लोग जिनसे मैं डील कर रही थी जिनके साथ, वो ब्यूरोक्रेट थे, होम सेक्रेटरी थे, आखिर इंसान जिनका मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया वो थे मोदी आखिरी बार। और तभी तहलका ने मुझे वापस बुला लिया। तो जिस दिन मैंने मोदी का स्टिंग ऑपरेशन करने गए थे, उन्होंने मुझे बताया कि वो विवेकानंदा की किताबें दिखाई मुझे और ओबामा की किताबें दिखाई, और कहा कि किसी दिन वो ओबामा की तरह बनना चाहते हैं। तो ये सब हुई, और उसी दिन तहलका ने मुझे वापस बुलाया कहने की बताने के लिए कि इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, खत्म हो जाएगा। बिकॉज उनको भी लग रहा था कि हमने शुरू किया था एक छोटे लेवल पे, जहां मैं छोटे छोटे ऑफिसर से बात करने गई, फिर मैं कमिश्नर तक पहुंच गई, फिर होम सेक्रेटरी तक पहुंच गई, फिर अमित शाह तक पहुंच गई, और फिर मोदी तक जब मैं पहुंची तब इनको अंदाजा हुआ कि मैं बहुत ज्यादा घुस चुकी हूं इस इन्वेस्टिगेशन में। और शायद तहलका को एक बार बंद किया जा चुका था जब बंगारू लक्ष्मण पर उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया, तो उनको लगा था एक बार फिर ऐसी कुछ होगा, मोदी पावर में आ रहे थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि ऑपरेशन को जो है अबॉर्ट कर देंगे। लेकिन उस वक्त तक मुझे बहुत कुछ मिल चुका था, मैंने गुजरात के होम सेक्रेटरी का स्टिंग किया था, कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंटेलिजेंस चीफ, डिप्टी जनरल ऑफ पुलिस, जो टॉप ऑफिसर्स हैं गुजरात के, उन सबका स्टिंग ऑपरेशन किया। मेरी बॉडी पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 6 कैमरा होते थे जिनको मैंने डिवाइस करवाया था, मेरे कुर्ते में, मेरी डायरी में, मेरे पेन में, मेरी वॉच में, हर जगह एक वॉच होता है, एक कैमरा होता था, जिसको मैंने 8 महीने तक मैंने एकदम सिस्टम में एंट्रेंच हो गई थी मैं, मतलब मैं उन्हीं के सिस्टम का हिस्सा बन गई थी। मुसलमानों की बुराई करना, माइनॉरिटीज की बुराई करना, आरएसएस की तारीफ करना, आरएसएस की आइडियोलॉजी की तारीफ करना, उस आइडियोलॉजी को अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट करना। और बहुत सक्सेसफुली मैंने ये इन्वेस्टिगेशन किया, क्योंकि उसमें पहली बार ऑफिसर्स जो हैं तारीफ कर रहे हैं कि जो उन्होंने किया 2002 में, अपनी बहादुरी की तारीफ करें, कैसे उन्होंने मुसलमानों को मरने दिया, कैसे जब एहसान जाफरी को मारा जाए तो उनको अच्छा लगा, और उन्होंने कि एहसान जाफरी को जब उन्हें उसी से कोई दिक्कत नहीं थी। कमिश्नर ऑफ पुलिस मुझसे कहते हैं कि मुसलमानों ने 2 बार मारा, हमने 1 बार मारा, बहुत हमारी जो छाती है वो चौड़ी हो गई। हरीम पंड्या मर्डर में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, हरीम पंड्या बहुत बड़े राइवल थे मोदी के, उनका अचानक मॉर्निंग वॉक पे गया, उनको मार डाला गया। इल्जाम ये लगा था कि मुसलमान बच्चों ने मारा है उनको, लेकिन बाद में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने बताया कि उनका मर्डर जो है मोदी और अडवाणी ने की कम्प्लिसिटी की वजह से हुआ था, वो इन सब का इन्वॉल्वमेंट था। आइडली इन सब खुलासों के बाद इंडियन मीडिया को बहुत बड़ा कैंपेन करना चाहिए था, SIT जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसे टेप्स मांगने चाहिए थे मुझसे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। मेरे बुक लॉन्च पे हिंदुस्तान के सारे एडिटर और जर्नलिस्ट मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, जितने पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सब के लीडर्स मौजूद थे मेरे बुक लॉन्च पे, लेकिन अगले दिन एकदम सन्नाटा था, किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मोदी पावर में आ चुके थे। और लेकिन मुझे ये डर था कि मेरी किताब आने के बाद शायद मोदी गवर्नमेंट एक इंजंक्शन लाएगी किताब पे, किताब को डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने देगी, लेकिन उन्होंने बहुत स्मार्टली प्ले किया, क्योंकि अगर मेरी किताब पे बैन लग जाता तो लोग और पढ़ते उसे, क्योंकि एक टेंडेंसी है कि जब आप किसी चीज को बैन करते तो लोगों के अंदर बुझाऊ हो जाती है कि इसमें पढ़ा जाए कि इसमें क्या है। तो उन्होंने द किल्ड इट बाय साइलेंस, लेकिन एक अचीवमेंट मेरे लिए ये रही है कि लोग कहते हैं कि हाउ डू वी बिलीव यू। आई टेल देम कि अब तक जिन जिन लोगों का मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया है, दे आर द टॉप, सबसे टॉप लेवल के लोग हैं, अब तक कोई मुझे कोर्ट लेके नहीं गया कि ये लड़की झूठ बोल रही है, जिसने किताब में जो लिखा है झूठ बोला है, इट इज नॉट फैक्ट। इंडियन एक्सप्रेस ने, इंडिया में इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने
कुछ लोगों को अप्रोच किया जिनका मैंने स्टिंग ऑपरेशन किया, उन्होंने कहा हाँ हम मैथिली त्यागी के नाम की लड़की से मिले हैं, किसी ने कुछ डिनाई नहीं किया अब तक, विच मीन्स कि नोबडी कैन डाउट द ऑथेंटिसिटी। मेरे पास टेप्स पड़े लेकिन मैं उन टेप्स को लॉन्च इसलिए नहीं कर रही हूँ बिकॉज दे वर नॉट मेंट फॉर टीआरपी, दे वर मेंट फॉर जस्टिस। सो आई एम वेटिंग फॉर द एसआईटी टू अप्रोच मी, इफ नॉट तो एक दो अगले साल तक माय लॉयर्स विल अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट टू पिटिशन री इन्वेस्टिगेशन टू द गुजरात रायट्स एंड द फेक एनकाउंटर्स। अखबार हैं जो हिंदुस्तान के अखबार, बिजनेस स्टैंडर्ड वगैरह, उन्होंने कहा है कि दिस इज इंडियाज वाटरगेट मोमेंट। जब वाटरगेट स्कैंडल हुआ तो निक्सन ने रिजाइन किया था, तो बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि दिस इज दैट मोमेंट फॉर इंडिया व्हेन मोदी शुड रिजाइन। इस साल नवंबर में जोहानिसबर्ग में एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है ग्लोबल इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म नेटवर्क, जिन्होंने पनामा पेपर्स रिलीज किया था पूरे वर्ल्ड में। इट इज द बिगेस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बॉडी इन द वर्ल्ड एंड दे आर अवार्डिंग गुजरात फाइल्स एज अ टॉप बुक ऑफ द ईयर। फॉर मी दैट इज अ बिग अचीवमेंट कि दिस इज द फाइनल, इज बेसिकली एक्सेप्टिंग एंड एक्नोलॉजिंग दैट इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट जर्नलिज्म इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बुक्स। हिंदुस्तान के सारे एडिटर्स ने मुझे फोन किया बताने के लिए कि इस खबर के बाद मोदी को आइडियली स्टेप डाउन कर देना चाहिए, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े एडिटर्स जो मेरे दोस्त हैं, सब मुझे फोन करके शाबाशी दे रहे हैं, लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत नहीं है कि ओपनली कुछ बोले। हालांकि एक सपोर्ट मेरे लिए जो रहा है, सबसे बड़ा सपोर्ट रहा है, वो रीजनल मीडिया का।